जी आज हम आपको लाए हैं चकवाल में कलर कार की एक बहुत खूबसूरत चश्मा और बागात की दुनिया में, जहां आप आज पहली मर्तबा देखेंगे खालस सर के गुलाब और वो भी तीन अच्छा निकालने का मुकम्मल प्रोसेस, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। चकवाल का बल्कि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाने के हवाले से हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ खूबसूरत कुदरत की शाहकार आपके सामने लाते रहते हैं, तो हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हमें पता चल सके कि अगर कोई कमी है और कोई बेहतरी के जो चीज़ें आपको इसमें महसूस हों कि उनमें बेहतरी लाई जा सकती है, तो हमें उस हवाले से ज़रूर गाइड किया करें। ये भी आप देख रहे हैं कि मनो के हिसाब से ये फूल हम लेकर आए हैं और ये ताज़ा चकवाल के फूल हैं, चकवाल से ही तोड़े गए, चकवाल में ही उगाए गए। ये अब इसमें से पहले से निकाला हुआ अरके गुलाब डाला गया, ये अभी इसमें आप देख रहे हैं तकरीबन 20-30 किलो फूल डल गया है। ये अभी पहले स्टेज पे अर्क निकलेगा, इसके बाद इसके अर्क में से हम जब दूसरा अर्क निकालेंगे तो फिर ये एक अच्छा और फिर तीसरी दफ़ा ये तीन अच्छा बनेगा। बाप ने ये भी इस सारे प्रोसेस में कई मन लकड़ी और पूरे दिन की जो एक्सपर्ट्स या कारीगर अर्क निकालते हैं उनकी मजदूरी और इन तमाम चीज़ों को अगर फिर खालस गुलाब और ताज़ा गुलाब की इन चीज़ों की अगर कीमत को शुमार किया जाए तो खालस अरके गुलाब खासा महंगा पड़ता है। लेकिन अब एक हमारे मुआशरे में एक उसको एक गलतुलाम कह लें या एक उसको आप अलमिया भी कह सकते हैं कि लोगों को खालस चीज़ों की पहचान ही रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गई, खालस देसी घी, खालस शहद, खालस अंडा, खालस अरके गुलाब और इस किस्म की जितनी चीज़ें थी उनका उनको इतना ज़्यादा उनमें मिलावट के दो नंबर छोड़कर वो कई नंबर तक चली गई कि असल चीज़ों की पहचान ख़त्म हो गई। और जब खालस चीज़ मुयसर आती है तो क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड्स और निज़ाम चेंज हो चुके हैं तो हमें उसकी समझ ही नहीं आती, हम समझते हैं कि ये शहद खालस है ही नहीं। तो सुबह 7 बजे के करीब हम आए थे और इसको मुख्तलिफ आतशा करने के लिए अर्क दर अर्क करते करते, यानी एक अर्क में से फिर अर्क में से ताज़ा फूल डाल के फिर अर्क में ताज़ा फूल डाल के इस तरीके से इसके मुख्तलिफ अच्छा जो हैं यानी इसकी जो क्वालिटी है वो मुसलसल बढ़ती जाती है, पूरा दिन जो है वो इसमें लग जाता है। तीन अच्छा तक पहुँचाने के लिए आपको तीन मरतबा अर्क निकाल के और फिर अर्क में ताज़ा फूल डाल के हर मरतबा अगर आप एक मन फूल डालें और उसमें तकरीबन 30-40 लीटर के करीब अर्क के गुलाब हो तो फिर उसमें से आप 50% निकाल सकते हैं और फिर यही प्रोसेस करते करते आखिर पे जिस वक्त आप पहुंचते हैं तो आपको बामुश्किल चंद लीटर अरके गुलाब मैसर आता है। लेकिन उस अरके गुलाब को आप जो दुनिया का बेहतरीन क्वालिटी का अरके गुलाब है वो कह सकते हैं, जिसको आप ना सिर्फ मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं बल्कि घरेलू इस्तेमाल में भी उसका मुतबादल जो है वो यूँ समझें कि मुश्किल ही कोई और अर्क होता है। ये अब जो अर्क निकल चुका है जी, इसमें अर्क है, यही अर्क जो है अब इस में दोबारा देग में डाला जाएगा और अभी इसे मज़ीद
साफ़ किया जा रहा है ताकि जो अर्क की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, उसमें कोई जली हुई या कोई किसी किस्म की स्मेल भी ना जा सके। ये देखें जी, अब मज़ीद अर्क निकालने के लिए इसमें पहले से निकला हुआ अर्क ही डाला जा रहा है। ये देखिए, ये इसमें सेल का गुलाब निकला था और फिर इसको अगर आप तीसरी मरतबा इसमें फूल डालें तो इसको फिर आप अच्छा से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए, अब इसको देख को एक मरतबा फिर फूलों से भर दिया गया और इस मरतबा भी इसमें अर्क गुलाब डाला गया है। इसमें पानी की जगह तो अब ये मज़ीद कुछ घंटे लेगा और फिर इसमें से आपको एक अगले दर्जे का अच्छा जो गुलाब का होता है वो आपको हासिल होगा। और इसमें जिस तरह अगर आपने इसमें अब 40 लीटर अर्क गुलाब और साथ आपने 40 किलो फूल डाले हों तो फिर आप इसमें से कम अर्क हासिल करें और इसको आहिस्ता आग पे कई घंटे करें, फ़र्ज़ किया आप इसमें से 10 लीटर हासिल करें तो उसकी जो क्वालिटी है और जो बीमारियों और अद्वियात में इस्तेमाल हो सकता है वो बड़ी बेहतरीन उसके नतायज और रिज़ल्ट सामने आते हैं। जी, अब तकरीबन शाम ढल चुकी है, हम सुबह चढ़ते यहाँ पर आए थे तकरीबन 6-7 बजे और सारा दिन इस प्रोसेस में गुजर गया। कई मन लकड़ी इस्तेमाल हुई और अब हमें फ़ाइनली 3 अच्छा अर्क गुलाब मुयसर आ चुका है, जो भी हमें एक मैनुअल हैंड पम्प के ज़रिए इस पीतल की आप सुराही कह लें, देच की कह लें, जो ठंडा होने के लिए चश्मे में रखी जाती है, अब हम इसमें से वो निकालेंगे। ठंडा हो सी, जो ठंडा हो सी खुशबू बढ़ती जाती है। ठीक 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 ठीक, इस क्वालिटी नु तुम्हारे ख्याल च क्वालिटी किस किस्म दी है जी? अच्छी क्वालिटी जड़ी है ना, पीने दे लाज। हां अच्छी क्वालिटी है, इनका कहना है जी ये सबसे अच्छी क्वालिटी है इस्तेमाल करने के वाले से। ज्यादा नहीं कर, बिल्कुल खालस होने की वजह तो घट तो घट इस्तेमाल करिए, यानी चंद कतरे इस्तेमाल करिए जिथे तुसी पूरी पूरा पूरा कप या पूरा गिलास जिथे कूलर दे विच पाना होंदा है इधर सिर्फ चंद कतरे भी बहुत। बिल्कुल, पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का जो आला तरीन क्वालिटी का और बेहतरीन अर्क गुलाब है वो आपको चकवाल में कलर कहार के खूबसूरत तारीखी और रूहानी मकाम से हासिल होता है।